हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करेंगे। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, एंगल पी आर टी इज 40 डिग्रीज, एंगल आर टी पी इज 95 डिग्रीज, एंगल आर पी टी इज 95 डिग्रीज एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्रीज, एंगल टी एस क्यू इज 75 डिग्रीज। फाइंड एंगल एस क्यू टी, आपको क्या चाहिए? आपको ये वाला एंगल चाहिए, करेक्ट? यू नीड एंगल एस क्यू टी। अब देखो, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल पी आर टी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, करेक्ट? सो हम पहले लेंगे ट्रायंगल पी आर टी। अब क्यों ट्रायंगल पी आर टी पहले लेंगे? क्योंकि इसमें आपको एंगल पी एंड एंगल आर तो ऑलरेडी दिया है, सो आपको खाली एंगल टी चाहिए, ये मिल जाएगा। कैसे? इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्रीज। सो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज 95 प्लस 40 प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल पी टी आर कितना हुआ? 45 डिग्रीज, करेक्ट? तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल पी टी आर इज 45 डिग्रीज, ठीक है? अब हम मूव करेंगे ट्रायंगल क्यू टी एस में, ठीक है? अब देखो, यहां पे पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, करेक्ट? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एस। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स दैट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट टी। तो जब एक दो लाइन्स एक पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको पता है इक्वल होता है। सो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एस। एंगल क्यू टी एस की क्या वैल्यू हुई? सेम 45 डिग्रीज। सो एंगल क्यू टी एस इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्रीज, करेक्ट? अब तो बहुत इजी हो गया काम। आपको क्या चाहिए? टी क्यू एस। वो कैसे मिलेगा? एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सब्सटीट्यूट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इन ट्रायंगल टी क्यू एस वी हैव एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 75 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल एस क्यू टी इज वॉट? 180 माइनस 75 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये है आपका फाइनल आंसर, एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है? समझ में आया? एक बार अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, तो आपकी बेस लाइन यहां पे क्या हो गई? पी एस इज योर बेस लाइन। इस पी एस लाइन में हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, करेक्ट? PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. Angle SQR is equal to 28 degrees. Angle SQR is equal to 28 degrees. And angle QRT is equal to 65 degrees. Angle QRT is equal to 65 degrees. Then find the values of X and Y. ठीक है, कैसे ढूंढोगे? देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो है ट्रायंगल क्यू आर एस, एस आर को हमने टी तक प्रोड्यूस किया है, एस आर इज प्रोड्यूस टू टी, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल क्यू आर टी क्या हो गया आपका? एक्सटीरियर एंगल। एंगल क्यू आर टी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्यू आर एस, करेक्ट? तो एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी क्या हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल क्यू आर एस एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर एस क्यू, करेक्ट?
दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। अब आपको एंगल आर क्यू एस ऑलरेडी 28 डिग्रीज दिया है, सो एंगल आर एस क्यू क्या हो जाएगा, एंगल आर एस क्यू क्या हो जाएगा, 65 डिग्रीज माइनस 28 डिग्रीज, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। सो एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, यहां लिख दो 37 डिग्रीज, करेक्ट। अब देखो हमने यहाँ पे एंगल क्यू एस आर क्यू ढूंढा, क्योंकि आपको दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, जब भी दिया है उससे हमें फर्स्ट ट्राई क्या होता है कि क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल, वेन क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हमने लास्ट सम में भी देखा था। इसका मतलब एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, एंड एंगल पी क्यू एस क्या है आपका एक्स, सो वो भी 37 डिग्रीज हो जाएगा। देखो सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एस आर आर एस क्यू, पी क्यू एस कितना है एक्स, गिवन यहां पे आप लिख दोगे गिवन एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स क्या हो जाएगा 37 डिग्रीज, वाई इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड एंगल आर एस क्यू हमने अभी ढूंढा था, तो आपको यहां पे एक्स मिल गया 37 डिग्रीज, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए वाई, अब देखो अब आपको वाई चाहिए, ये आपको मिल गया 37 डिग्रीज। अब फिर से देखो पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, तो जब पी एस इज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, इसका मतलब एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, करेक्ट, एंगल क्यू पी एस इज 90 डिग्रीज। सो जब आप इस ट्रायंगल में देखोगे, नाउ टेकिंग द ट्रायंगल क्यू पी एस, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री, दैट इज एंगल एक्स प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, वेर पी एस क्यू इज वॉट वाई, सो 37 प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखो यही किया हमने, 90 प्लस 37 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो वाई क्या हो गया 180 माइनस 90 माइनस 37, दैट इज वाई इज इक्वल टू 53 डिग्रीज, करेक्ट। सो वॉट इज योर एक्स, एक्स इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, y इज इक्वल टू 53 डिग्रीज, अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से ध्यान दो, सारे पहले सम देखो एंड फिर उसको खुद से सॉल्व करो, तभी आपको और क्लियरिटी आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस साइड QR ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, पी क्यू आर ट्रायंगल पहले देख लो कौन सा है, ये रहा पी क्यू आर, इसमें साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, मतलब पी क्यू आर का ये बाइसेक्टर है क्यू टी एंड पी आर क्यू का बाइसेक्टर अगर मिलता है एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, ठीक है, वो दोनों बाइसेक्टर्स दैट इज क्यू टी बाइसेक्टर एंड आर टी बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट टी, हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर, मतलब दिस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल क्यू पी आर, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब देखो ये प्रूविंग है, प्रूविंग का मतलब आपको फाइनल आंसर ऑलरेडी पता है, योर फाइनल आंसर शुड बी दिस, करेक्ट। सो अगर ये आ जाता है मतलब आपका पूरा सम करेक्ट है, अगर ये नहीं आता है मतलब ही कि आपने कोई मिस्टेक की है, तो अगर आपको आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, आपने मिस्टेक की है, सो कभी भी जब भी आप सम देखोगे पूरा स्टेप वन से आप चेक करना, तब आपको मिस्टेक एक बार में मिल जाएगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा मिस्टेक, ठीक है।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं. एंगल पी आर एस क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. करेक्ट. तो एंगल पी आर एस क्या हो जाएगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू. वाई? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू. नाउ क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड पी आर एस रिस्पेक्टिवली. तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू. क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, वो देखा. तो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस. ठीक है, अगर आप पी आर एस का हाफ एंगल लोगे, सो वॉट इज दैट हाफ एंगल? पी आर एस का हाफ एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू. दैट इज एंगल पी आर एस का हाफ इज हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू. हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने पूरे इक्वेशन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? आपको यहाँ पे हाफ क्यू पी आर चाहिए. क्योंकि आपको हाफ चाहिए, इसीलिए आप इक्वेशन में हाफ इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, सो हाफ ऑफ पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू. तो हाफ ऑफ पी आर एस होगा क्या? वॉट इज हाफ ऑफ एंगल पी आर एस? एंगल पी आर टी. करेक्ट, एंगल पी आर टी हो गया. क्यों? क्योंकि आर टी इज द बाइसेक्टर. आर टी इज द बाइसेक्टर मतलब इट इज डिवाइडिंग एंगल आर इंटू टू इक्वल एंगल्स. टू इक्वल एंगल्स कौन से हुए? एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस. एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस. एंड सिमिलरली जब क्यू टी बाइसेक्टर है, सो एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर. करेक्ट. सो हमें पता है कि हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज वॉट? एंगल पी आर टी. तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल टी क्यू आर. एंगल क्यू क्या हो गया? एंगल टी क्यू आर हाफ. करेक्ट. तो अब ये आप इसको वन ले लो. अब हम जाएंगे दूसरे ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल क्यू आर टी. नाउ इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी. एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू प्लस एंगल टी. करेक्ट, ये हमें पता चल गया. तो अब आप इसको इक्वेशन टू ले सकते हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर. एंगल क्यू पी आर कहाँ है? एंगल क्यू पी आर यहाँ है. करेक्ट. सो फ्रॉम वन एंड टू, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी. याद देखो, हमें मिला था टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर. सो यहाँ पे भी टी आर एस है, तो टी आर एस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी. टी क्यू आर कैंसिल हो गया. सो हाफ ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी. एंगल पी को आप कैसे लिख सकते हो? एंगल क्यू पी आर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर. क्योंकि टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? क्यू टी आर. आपको क्वेश्चन में वही चाहिए. सो इसको आप रिवर्स कर दो, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में है? एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर. करेक्ट, समझ में आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया. मेन सिंपल स्टेप ये है कि आप इसको सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप करो, तो आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा. एंड थरो रिविजन, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें फ्लुएंसी आ जाएगी, आप बहुत अच्छे से जल्दी सॉल्व करोगे. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.